तुझे पता है अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च मर्दों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी औरतों से ज्यादा होती है। मर्दों की नहीं, शादीशुदा मर्दों की, क्योंकि हम हर रोज उसी की प्रैक्टिस करते हैं तो आदत हो जाती है, फिर एक जरूरत और उसके बाद एक शादीशुदा आदमी की हकीकत। तुझे पता है ये रिस्क की शुरुआत कहां से होती है? कहां से? जब अपने जिंदगी का रिमोट हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही बटन होते हैं, सॉरी और थैंक यू। दो नहीं, तीन। तीसरा होता है बिल्कुल नहीं बेबी। तुम शॉपिंग करते करते कहीं थक तो नहीं जाते? तुम्हारा वीकेंड में कोई प्लान तो नहीं है? बिल्कुल नहीं बेबी, जो तुम्हारा प्लान है वही मेरा प्लान है। तुम अपने ससुराल में कहीं बोर तो नहीं हो जाते? अरे बिल्कुल नहीं बेबी, वहां तो मुझे रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। बस यही कॉन्फिडेंस एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम बनता है, जो एक रिस्क को एक कैलकुलेटेड रिस्क बनाता है और एक शादीशुदा आदमी की लाइफ को सक्सेस। अच्छा, पर तेरा कैलकुलेटेड रिस्क तो फेल हो गया मेरे भाई। क्योंकि मैंने अपना रिमोट छीनने की कोशिश करी और जिंदगी को आजादी से जीने की कोशिश करी। तू तो डेडेविल है मेरे भाई, तेरा और हमारा कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है, नेक्स्ट लेवल है तू, नेक्स्ट लेवल। शायद इसीलिए वो मेरे घर के अंदर जी रही है और मैं अपने ही घर के बाहर। रुक, मैं देखता हूं। ये अभिमन्यु और मीरा का घर है, राइट? जी। कौन है भाई? आपका नाम पूछ रहे हो? एक्सक्यूज मी। हाय कविता, इतनी सुबह सुबह, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नो, नथिंग इज ऑल राइट। यहाँ ना सब अपनी मनमानी करने लग गए हैं। क्या हो गया भाई? व्हाट हैपेंड? बताया नहीं उसने, बता रही है, सुन ले। क्या हुआ कविता? अभिमन्यु, वी आर द फ्लैट ओनर्स, राइट? राइट। देन सोसाइटी की फैसिलिटीज पे सबसे पहला राइट हमारा होना चाहिए, करेक्ट? शी इज एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए। अरे रिलैक्स ब्रो, लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी के स्विमिंग पूल को इन्होंने पब्लिक स्विमिंग पूल बना दिया। किन्होंने? टेनेंट्स ने यार। अरे बट टेनेंट्स दे ऑल्सो पे द रेंट और उनके ओनर्स फुल मेंटेनेंस दे रहे हैं ना सोसाइटी को, तो उनका पूरा हक है स्विमिंग पूल यूज करने का। ओके, हक है, लेकिन उनके भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, उन सब का भी हक है क्या? ओह माय गॉड, कल जकूजी पर एक टेनेंट फैमिली ने कब्जा कर रखा था। दैट इज रिडिकुलस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। पूरे 20 लोग थे, 20 लोग अभिमन्यु। नाउ हाउ विल यू प्रूव कि 20 लोग यहीं रहते हैं? कोई चांस ही नहीं है, प्रूव ही नहीं कर सकते ये तो। एक मिनट, यू स्टे हियर? एक्चुअली ही इज, फिलहाल कुछ दिनों से रह रहा हूं, बट आई कंप्लीटली फील योर पेन कविता। आई कैन कॉल यू कविता, राइट? आर यू एन ओनर और अ टेनेंट? अरे ही इज अ बिग शॉट। शॉर्ट नोटिस में मुझे मकान लेना पड़ा तो फिलहाल तो। ओह, फिलहाल आप टेनेंट हैं। जी, पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, हमें कुछ करना पड़ेगा यार। मुझे कुछ करना होगा बिकॉज आई एम दी ओनर एंड अ कमिटी मेंबर आल्सो। प्लीज अभिमन्यु, आई होप तुम ये जल्दी से रिजॉल्व करो, वरना इतनी भीड़ में मैं स्विमिंग पूल नहीं यूज कर पाऊंगी। ओके कविता, रेस्ट अश्योर्ड, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके ही रहेंगे। आप अकेले पूल में स्विम करेंगी, देखता हूँ कौन टेनेंट अंदर आता है वहाँ पे। हो गया इधर अब कविता, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, थैंक यू अभिमन्यु, थैंक यू रोमित। कितनी प्यारी बातें करती है ना? प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। अच्छा एक चीज बता, इसकी लाइफ में कोई मौसी तो नहीं है? मतलब कोई अड़चन, दुविधा, बॉयफ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड, कोई पति? ओ भाई साहब, होल्ड योर हॉर्सेस, आप अपने घोड़े कहाँ दौड़ा रहे हैं, अभी 6 महीने भी नहीं हुए आपके डिवोर्स को। हाँ तो ऐसा कौन सा रूल है कि डिवोर्स के 6 महीने बाद ही कोई खूबसूरत लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं? मतलब तू अपना रिमोट कंट्रोल दोबारा किसी और के हाथ में देने के लिए तैयार है? रिमोट देने के लिए तैयार हूँ, बट बैटरी निकाल के फिर जो बटन दबाने दबाओ, मजे ही मजे। I'm like a free bird, यार। क्या मजे ही मजे, कुछ भी बकवास किया जा रहा है तू। तेरा मैरिट में रूम बुक देना, वहाँ जाकर कर मजे, ये मेरी बिल्डिंग है भाई। यार मैरिट में ना थोड़ा अकेला अकेला सा लगने लगता है, gets lonely man। कब तक सागर को ताकता रहूंगा? यहाँ पे सागर जैसी आंखों वाली को ताकने का मौका मिल रहा है।
तू ऐसा कर, तू मुझे उसका नंबर दे दे। I cannot do that यार, मैं उसकी परमिशन के बिना तुझे उसका नंबर नहीं दे सकता हूँ। तो घर का नंबर बता दे, मैं जाके पूछ लूंगा। अरे नहीं 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 यार, तू वैसे उसकी प्राइवेट स्पेस में इंट्रूड नहीं कर सकता है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनवॉल्व। हां तो ऐसा कर, तू उसे घर बुला ले ना। घर बुला लूं और क्या बोलूंगा उससे? मीट दिस फ्री बर्ड हु इज रेडी टू फ्लाई। हां अब तो दोस्त के नाते बुला ले। दोस्त नहीं है वो मेरी, शी इज जस्ट अ नेबर। तो नेबर के नाते बुला ले, आई मीन वो तो हमारा प्राइवेट स्पेस इंट्रूड कर ही सकती है ना। अच्छा उसे बोल कि हमें वो टेनेंट वाले प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। कौन सा सलूशन? अरे वो सब हम सोच लेंगे, बुलाना यार, फोन निकालना, मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। अरे करना यार प्लीज भाई। नहीं अच्छा भाई, नहीं अच्छा, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, करता हूँ कॉल भाई अभी। हाँ 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 हाँ, हाय हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लेजेंट है तो कम से कम प्लेजेंटली तो बोलो। अब बस यही प्लेजेंट है। ओह आई अंडरस्टैंड, तुम टीना को मिस करते हो ना। ओह यार, 6 साल तक तुम लोग साथ में थे और फिर एक दिन अचानक अलग हो गए। एक खालीपन सा महसूस होता होगा ना, एक वॉइड, अकेलापन, घर काटने को दौड़ता होगा। यू मस्ट बी बाउंसिंग अगेंस्ट द वॉल्स। पर तुम लड़कों को भी ना कंपेनियनशिप की वैल्यू ही नहीं समझ में आती। तुम्हें लगता है कि तुम रह लोगे अकेले, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा ठीक है, चेयर अपना, मैं बिरयानी बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, गर्मा गर्म है, सर्व कर दूँ? नहीं यार, बिरयानी नहीं। क्यों, ये तो तुम्हारी फेवरेट है। But Tina didn't like it, ना? Oh my God, तुम Tina को इतना मिस कर रहे हो। कुछ और बना के ले आऊँ जो Tina को पसंद था। खिचड़ी, खिचड़ी उसे मेरे हाथ की बहुत पसंद थी। हाँ रोहिणी, ये ठीक रहेगा, खिचड़ी बना दो, उसे खाकर इसके मन को सुकून मिलेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आई मीन रोहिणी ने इतने प्यार से बनाया, तो ये बिरयानी को ही मैं खिचड़ी समझ के खा लूंगा। थैंक्स रोहिणी। पक्का? 100%। ओके, कुछ और चाहिए होगा तो प्लीज मुझे कॉल कर देना। ओके ठीक है, चलो बाय बाय बाय, थैंक यू। सुबह तो तू बड़ा बाजीगर बन रहा था और अभी रोहिणी के सामने एकदम देवदास बन गया। अरे यार, आई मीन उसे अच्छा लग रहा था तो आई प्लेड अलोंग। अगर मैं उसे ये दिखा देता कि हम ओके, तो वो जज करती ना मुझे। डिवोर्स को 6 महीने भी नहीं हुए और कितना खुश है। मैंने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहती थी, समझा चुन्नी बाबू? वाह वाह देव बाबू वाह। अच्छा वैसे वो कविता अपना सॉल्यूशन लेने कब आ रही है? अरे यार मुझे क्या मालूम कब आएगी, मैंने उसको बोल दिया है भाई, अब उसको जब आना होगा आ जाएगी। कविता कविता कविता, पागल हो गया हूं मैं। ओके रिलैक्स ब्रो, श्योर, सिर्फ पूछ रहा था मैं। ओके हाय हाय। वाओ you look stunning. Please, come in. Hi, Abhimanyu. Hi. तो बताओ, क्या solution ढूंढा तुमने? Actually, solution मेरे पास है और वो मैंने किसी को बताया भी नहीं है, अभिमन्यु को भी नहीं। आप please solution बताएंगे? हम क्लब हाउस के लिए एक फी चार्ज करेंगे, लाइक अ मेंबरशिप फी। वैसे ही आधे से लोग भरेंगे नहीं, भीड़ कम हो जाएगी, आप फिर आराम से स्विमिंग कर सकती है अकेले। आई मीन All the owners, obviously. ये कैसा idea है? अरे नहीं, it's an excellent idea. बहुत सही. Thank you. अरे tenants नहीं मानेंगे और landlords भी object करेंगे. इससे better है कि biometric device लगवा देते हैं clubhouse में, thumb impression के बिना किसी की entry नहीं हो सकती है. Nuisance value खत्म हो जाएगी. इससे और खर्चा होगा society का, यानी owners का. हाँ, और अपने rights को protect करने के लिए हम extra खर्चा क्यों करेंगे? देखो यहाँ बहस कर कोई फायदा नहीं है. I will put all these proposals in front of the committee aur committee jo decide karegi, after all it's a democracy. Excuse me. Ha Meera, acha actually main coffee bana raha tha, aapke liye bhi ek cup bana do? No, kabhi aur. Oh to date pe ja rahi hain? No, I am single. You are single? नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
आप और सिंगल, मेरे से झूठ क्यों बोल रही हैं आप? अरे झूठ नहीं बाबा, आई एम सिंगल. मीन भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं. मतलब? मतलब आपको अपने लायक कोई मिला ही नहीं है अब तक. I mean, a strong, independent, resilient woman like yourself. Thank you for the compliment. आप compliment ही दे रहे थे ना मुझे? Of course. Usually, men are afraid, you know, of strong and confident women. डर जाते हैं. मैं नहीं डरता. वैसे आपकी भी एक बात मुझे बहुत impressive लगी. कौन सी? Tenant होके भी आपने owners के बारे में सोचा. I mean, कल तक तो tenant था, लेकिन आज शायद गुलाम बन गया हूँ. किसका? 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 कब से बेल बजा रही हो और कितना टाइम लगा दिया? रायता लेकर आई हूँ. तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम से आई थी यहाँ. और मैं कहाँ कब किसके घर जाती हूँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे तुमसे शेयर करने की जरूरत नहीं है. किचन में रखती हूँ. चलो चलो, मैं जूते पहन लेता हूँ. वैसे जा कहाँ रहे हो? अरे मैं कह रही हूँ मैं चलती हूँ. अब बैठो ना, मैं कॉफी बनाता हूँ. पियेंगे, जरूर पियेंगे, बाहर कहीं जहाँ बेटर वाइब्स हो. हाउ डू आई गेट यू? आई मीन हाउ डू आई टच यू? आई मीन हाउ डू आई गेट इन टच विद यू? फोन. ओह या, ऑफ कोर्स, सॉरी. कॉल मी. इट्स मी, रोमित राज रंधावा. आ रहा, सेव कर लेना. अभी मनी हुआ है? होगा कहीं अंदर. सी यू लेटर. बाय. बाय रोहिणी. अभिमन्यु, ये क्या चल रहा है बाहर? क्या हुआ? अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी तो रोमित डिप्रेशन में था और कविता से मिलते उसके रंग ही बदल गए हैं. यू शुड हैव सीन हिम. फोन नंबर्स एक्सचेंज कर रहा था और कविता ने उसको कॉफी पे इनवाइट किया तो शर्मा रहा था. बात तो है उसमें. व्हाट? मतलब ऐसी क्या बात है उसमें दैट रोमित इज सो स्मिटन बाय हर? स्मिटन नहीं, बिटन. नागिन है वो, डस लिया है उसने हमारे भोले भाले रोमित को. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कविता में टीना को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो. करेक्ट, यही हुआ है. सही पकड़ा है तुमने. वो बेचारा कविता में टीना को ढूंढ रहा है लेकिन टीना तो उसे कविता में मिल ही नहीं सकती क्योंकि टीना और कविता आर पोल्स अपार्ट. टीना हमारी दोस्त है और कविता हमारी दुश्मन. दुश्मन? मेरी दुश्मन तो नहीं है. तो तुम्हारी दोस्त है? नहीं, मतलब दोस्त भी नहीं है, नेबर है, कमिटी मेंबर है. हाँ, कमिटी मेंबर है. आज वो सिर्फ कमिटी मेंबर है लेकिन अगर रोमित और कविता का चक्कर चलने लग गया ना तो वो बहुत जल्द हमारी ग्रुप की मेंबर बन जाएगी. फिर क्या करेंगे? सोचो अभिमन्यु, सोचो. तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है. क्या करें?